सिसाई पुल और समाधा के नजदीक कैंसर झील के चारों तरफ अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद की पूरी टीम आज पुलिस बल जेसीबी मशीन और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मनोज ओला जो कि पीडब्ल्यूडी के एक्शन है मौके पर पहुंची, लेकिन बैरंग लौट गई। कारण क्या रहे बैरंग लौटने के ये अधिकारियों ने नहीं बताया और उन्होंने इतना कहा कि कल और परसों फिर हम आएंगे और कैंसर झील जो ऐतिहासिक झील है इसके चारों तरफ से अतिक्रमण हटाने का काम फिर से शुरू करेंगे। नमस्कार, हम खड़े हैं कायमसर झील के ऊपर जहां आज कब्जा बहाली कार्रवाई करने के लिए नगर परिषद के अधिकारी व ड्यूटी मजिस्ट्रेट पीडब्ल्यूडी के एक्शन यहां पहुंचे थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश यानी कि कंपनी भी पूरी पुलिस की डिप्लॉय कर दी गई थी, किन्हीं कारणोंवश यानी कि आज कब्जा बहाली की कार्रवाई नहीं हो सकी है। तो अधिकारियों का कहना है कि यहाँ दो दिन और कार्रवाई होगी। हम बता दें कि 258 कनाल और 11 मरले ये जगह है जो नगर परिषद क्लेम कर रही है कि ये हमारी ज़मीन है और इसके लिए मालिकाना हक के लिए भी कागज़ तैयार किए जा रहे हैं। सीएम विंडो पर भी शिकायत की कि भी इसके चारों तरफ अतिक्रमण हो रहा है और इस झील का अस्तित्व जो ऐतिहासिक झील है इसका अस्तित्व ख़त्म हो रहा है, तो उसको लेकर उसके मद्देनज़र लेकर यानी नगर परिषद कार्रवाई करने के लिए कब्जा बहाली यानी कि अतिक्रमण हटाने के लिए इसका स्वरूप वापस लौटाने के लिए कार्रवाई करने के लिए आज पहुंची थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश आज यह कब्जा बहाली की कार्रवाई नहीं हो सकी है क्योंकि पुलिस बल भी पूरा था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी थे। वजह का क्या रहा ये अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं और कल और परसों कब्जा बहाली की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। ये कैंसर झील ऐतिहासिक झील है और आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ यानी कि पानी किस तरह से बदहाली में सड़ रहा है और कैंसर झील पर जो अतिक्रमण किया हुआ है उसके हटाने के लिए एमई व नगर परिषद के अन्य अधिकारी आए हुए हैं। बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मनोज ओला जी, आइए इनसे जानते हैं कि क्या किस पर्पज़ के लिए आप आए हैं। आज मेरी बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगी हुई है, कोई इनक्रोचमेंट है उनको हटाने के लिए। अच्छा। और ये सारा मामला कमेटी का है तो हमने लैंड ऑर्डर देखना है, ये मेंटेन रखना है। ये सर कौन सा मामला है और कहाँ का है, आप अतिक्रमण बता रहे हैं ना, ये वो ये बताएंगे कमेटी वाले, इनका काम नहीं, वो तो बताएंगे किस यानी कि इतना तो बताया होगा ना आपको भी कहाँ किस जगह से ये। अभी इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें कोई नहीं दिखाई कि कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा, ये अपनी तैयारी नहीं, पर्टिकुलर कोई न्यूमन क्लेचर तो दिया होगा ना किस यानी कि हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया। ऐतिहासिक जगह के इर्द गिर्द अभी कुछ नहीं बताया, जहाँ ये बताएंगे वहाँ हम खड़े होंगे। हमने इनको फ़ोन करके बुलाया है, अभी ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आएंगे तो हम वहाँ चले जाएंगे। सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट आप यहाँ नियुक्त किए गए हैं, आपसे कोई आप एक कोई छोटी पोस्ट के तो नहीं है, इंटरेक्शन तो हुआ होगा ना, अभी किस पर्पज़ के लिए आपको ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया? कोई इंक्रोचमेंट है सरकारी लैंड पे, उसको हटाने के लिए इंक्रोचमेंट है सरकारी लैंड पे। अच्छा, उसको हटाना है, उसके हटाने के लिए हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए हैं लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, इतनी ड्यूटी हमारी। ये मनोज ओला जी जो एक्शन पीडब्ल्यूडी हैं ये कह रहे हैं कि सरकारी जगह पर इंक्रोचमेंट है और उसको हटाने के लिए नगर परिषद के यानी कि अधिकारी एमई व अन्य अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। इनका काम है, इनका कहना है कि मेरा काम तो लैंड ऑर्डर मेंटेन करना है और पुलिस बल के साथ है और बुलाएंगे ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ आए हैं, यहाँ देखते हैं कि नगर परिषद के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। हम खड़े हैं सिसाई पुल पर और कैंसर झील जिसको अतिक्रमण के चारों तरफ नगर परिषद का कहना है कि भी अतिक्रमण किया हुआ है ऐतिहासिक झील के, हमारे साथ खड़े हैं पुलिस के सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह जी। तो आप कैसे पुलिस फोर्स के साथ यहाँ डिप्लॉय किए गए हो सर? कब्जा कार्रवाई के लिए हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी जी, हम कब्जा कार्रवाई के लिए आ रहे हैं एक्शन साहब के साथ में। कौन सी जगह खड़े हो जी आप? अब तो सिसाई पुल पर हैं जी। तो कहाँ जाना है आपने? वहाँ जहाँ नगर परिषद की जमीन दबाई हुई है वहाँ जाना है जी। तो पर्टिकुलर जगह का नाम है क्या? कैंसर झील के चारों। हाँ, कैंसर झील का बता रहे हैं, वहाँ जमीन दबाई हुई है। अच्छा, कितने फोर्स लेके आए हो सर आप जो लीड कर रहे हो? आप कंपनी है जी, पूरी कंपनी है। हाँ जी। तो अभी कोई आदेश नहीं हुए हैं? अभी कोई आदेश नहीं हुए हैं।
ये तो जगवीर जी ये पूरी कंपनी के साथ यहाँ आए हैं, नगर परिषद की अधिकारी पूरे पुलिस बल व ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ यहाँ पहुँचे हैं। अभी कब्जा कार्रवाई देखते हैं कितनी देर में होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं पुलिस बल कितना है, दिखाइए सामने खड़ा है पूरी। बताया कि जगवीर जी ने कि ये कंपनी हमारे हमने डिप्लॉय की हुई है नगर परिषद के अधिकारियों के कहने पर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी उनके साथ है। ये जेसीबी मशीन भी आपको नज़र आ रही होगी, पुलिस की पूरी गाड़ियां वहां खड़ी हैं कि भी कैंसर झील जो 258 कनाल और 11 मरले जगह है नगर परिषद की, और कई दिन से इसका मामला चल रहा था। सीएम विंडो पर भी शिकायत जा रही थी कि लोगों ने ऐतिहासिक झील के चारों तरफ कब्जा किया हुआ है, कब्जा बहाली के लिए यहाँ पुलिस डिप्लॉय की हुई है। अब आगामी कार्रवाई कितनी देर में होती है ये देखने वाली बात है। ये पुलिस बल है आप देख रहे हैं, पूरा नजर आ रहा होगा आपको। पूरी की पूरी दो पुलिस वैन यहाँ पहुंची हैं और पूरी जैसा कि जगवीर जी ने बताया सब इंस्पेक्टर ने कि कंपनी यहाँ डिप्लॉय की गई है। महिला पुलिस भी है आप देख रहे हैं कि मंदिर के अंदर, आप जूम कीजिएगा यहाँ महिला पुलिस भी तैनात है भी कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए और किसी भी यानी कि घटना से निपटने के लिए ये पुलिस डिप्लॉय की गई है।